आइए अब हम कामदा एकादशी की व्रत कथा को ध्यान पूर्वक सुनते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, मैं आपको कोटि कोटि नमस्कार करता हूँ। अब आप कृपा करके चैत्र शुक्ल एकादशी का महात्म्य कहिए। श्री कृष्ण कहने लगे कि हे धर्मराज, यही प्रश्न एक समय राजा दिलीप ने गुरु वशिष्ठ जी से किया था, और जो समाधान उन्होंने किया वो सब मैं तुमसे कहता हूँ। प्राचीन काल में भोगीपुर नामक एक नगर था। वहां अनेक ऐश्वर्यों से युक्त पुंडरीक नामक राजा राज्य करता था। भोगीपुर नगर में अनेक अप्सरा, किन्नर तथा गंधर्व वास करते थे। उनमें से एक जगह ललिता और ललित नाम के दो स्त्री पुरुष अत्यंत वैभवशाली घर में निवास करते थे। उन दोनों में अत्यंत स्नेह था। यहाँ तक कि अलग-अलग हो जाने पर दोनों व्याकुल हो जाते थे। एक समय पुंडरीक की सभा में अन्य गंधर्वों सहित ललित भी गान कर रहा था। गाते-गाते उसको अपनी प्रिय ललिता का ध्यान आ गया, और उसका स्वर भंग होने के कारण गाने का स्वरूप बिगड़ गया। ललित के मन के भाव जानकर काकरोट नामक नाग ने पद भंग होने का कारण राजा से कह दिया, तथा पुंडरीक ने क्रोधपूर्वक कहा कि तू मेरे सामने गाता हुआ अपनी स्त्री का स्मरण कर रहा है, अतः तू कच्चा मांस और मनुष्य को खाने वाला राक्षस बनकर अपने किए का कर्म फल भोग। पुंडरीक के श्राप से ललित उसी क्षण महाकाय विशाल राक्षस हो गया। उसका मुख अत्यंत भयंकर, नेत्र सूर्य चंद्रमा की तरह प्रदीप्त तथा मुख से अग्नि निकलने लगी। उसकी नाक पर्वत की कंदरा के समान विशाल हो गई और गर्दन पर्वत के समान लगने लगी। सिर के बाल पर्वतों पर खड़े वृक्षों के समान लगने लगे। भुजाएं अत्यंत लंबी हो गई। कुल मिलाकर उसका शरीर 8 योजन के विस्तार में हो गया। इस प्रकार राक्षस होकर वह अनेक प्रकार के दुख भोगने लगा। जब उसकी प्रियतमा ललिता को यह वृतांत मालूम हुआ तो उसे अत्यंत खेद हुआ, और वह अपने पति के उद्धार का यत्न सोचने लगी। वह राक्षस अनेक प्रकार के घोर दुख सहता हुआ घने वनों में रहने लगा। उसकी स्त्री उसके पीछे पीछे जाती और विलाप करती रहती। एक बार ललिता अपने पति के पीछे घूमती घूमती विंध्याचल पर्वत पहुंच गई, जहां पर श्रृंगी ऋषि का आश्रम था। ललिता शीघ्र ही श्रृंगी ऋषि के आश्रम में गई और वहां जाकर विनीत भाव से प्रार्थना करने लगी। उसे देखकर श्रृंगी ऋषि बोले कि हे सुभगे, तुम कौन हो और यहाँ किस लिए आई हो? ललिता बोली कि हे मुने, मेरा नाम ललिता है। मेरा पति राजा पुंडरीक के श्राप से विशालकाय राक्षस हो गया है। इसका मुझे महान दुख है। उसके उद्धार का कोई उपाय बतलाइए। श्रृंगी ऋषि बोले, हे गंधर्व कन्या, अब तुम चैत्र शुक्ल एकादशी आने वाली है, उसका नाम कामदा एकादशी है, उसका व्रत रखो। इसका व्रत करने से मनुष्य के सब प्रकार के कार्य सिद्ध होते हैं। यदि तू कामदा एकादशी का व्रत कर उसके पुण्य का फल अपने पति को दे दे तो वह शीघ्र ही राक्षस योनि से मुक्त हो जाएगा। राजा का श्राप भी अवश्य मेव शांत हो जाएगा। मुनि के वचन से ललिता ने चैत्र शुक्ल एकादशी आने पर उसका व्रत किया, और द्वादशी को ब्राह्मणों के सामने व्रत का फल अपने को देती हुई भगवान से इस प्रकार प्रार्थना करने लगी, हे प्रभु, मैंने जो यह व्रत किया है इसका फल मेरे पति देव को प्राप्त हो, जिससे वह राक्षस योनि से मुक्त हो जाए। एकादशी का फल देते ही उसका पति राक्षस योनि से मुक्त होकर अपने पुराने स्वरूप को प्राप्त हुआ,
फिर अनेक सुंदर वस्त्राभूषणों से युक्त होकर ललिता के साथ विहार करने लगा। उसके पश्चात वे दोनों विमान में बैठकर स्वर्लोक को चले गए। वशिष्ठ मुनि कहने लगे कि हे राजन, इस व्रत की भी करने से हस्तपाल नष्ट हो जाता, राक्षस सादि योनि से भी छुटकारा मिल जाता है। संसार में इसके बराबर कोई दूसरा व्रत नहीं है। इसकी कथा पढ़ने या सुनने से वाजपेयी यज्ञ फल की प्राप्ति होती है। यह थी कामदा एकादशी की व्रत कथा। अन्य कथाएं जानने के लिए हमारा चैनल वास्तुशास्त्र सब्सक्राइब करें। नमस्कार।